बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन नेक क्रिस्पी पकौड़ा। ये देखें, ये मैंने आधा किलो लिए हैं गर्दने लिए हैं, और इसको मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डाल के और उसे कर लिया है, उबाल लिया है। और उबालने के बाद अब ये देखें, ये तिक्का बोटी जैसी तवा मसाला जो होता है लज्जत का, ये मैं डाल के और इसमें रख दूँगी, और जितनी देर ये लगा रहेगा उतना ही इसमें टेस्ट निकल के आएगा, क्योंकि ये वो भी इसके अंदर जल्द हो जाएगा। फिर इसमें हम ना बेसन लगा के, बेसन में भी ये मसाला डालेंगे और लगा के, और फिर इसको हम इसको फ्राई करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह करें। ये बहुत मज़ेदार बनता है, और आप इसको केचप से या हरी चटनी से या लाल चटनी जो आपको पसंद हो, मेयोनीज़ और केचप मिला के सब कुछ आप कर सकते हैं। इतना बस उबालना चाहिए कि थोड़ी बहुत ये गल जाए, बाकी इसके साथ फ्राई होकर हो जाएगी। ये हो गया, ये हमने लगा के अब रख दिया। ये चाहे ओवरनाइट रख लें या 4-5 घंटे के लिए रख दें, एक ही बात है, फ्राई कर लें। जब आपने बनानी हो खानी हो, रमज़ान में भी आप बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो इसलिए आपको बना के दिखाते हैं, बाकी साथ प्रोसीजर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये रही वो गर्दने चिकन की जो मैंने मसाले लगा के रख दी थी। अब ये मैं बना रही हूँ, तो ये मैंने 2 कप बेसन लिया है, और ये देखें टिक्का बोटी लज्जत का, ये लज्जत बहार है, और ये देखें ये मैं डाल के और थोड़ा सा नमक लूँगी कि नमक हल्का होता है, ये डाल दिया थोड़ा सा चौथाई और इसको खूब मिक्स करके, और फिर एक अंडा डालेंगे और इसमें पानी डाल के और इसको घोल लेंगे, और फिर इसको इसमें डाल के फ्राई करेंगे। ये अंडा डाल दिया, ये साथ इसके फेंटेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा है। टिक्का मसाला डल गया, ये अंडा डल गया, और इसको जितनी हमें इसका बैटर ज़रूरत होगी ना उतना कर लेंगे, अभी तो सिर्फ हम मिक्स कर रहे हैं इसको। मेरा है। ये मेरी मुन्नू खड़ी हुई है, मेरी पोती मेरे साथ साथ के, मैं बनवा रही हूँ और खाऊंगी मैं, तो ये आपको दिखा रहे हैं। आप अभी बना सकते हैं सर्दियाँ, और रमज़ान में भी बना के खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ किसी चीज़ के बनाए एक दिन कम और साथ ये बना लिए। इसका बैटर बिल्कुल ऐसा बनाना जो लग जाए ना, तो हटे और ना बहुत पतला हो। गुठलियाँ ना रह जाए इतना, आपको इसको फेंटना है। आप चमचे से भी कर सकते हैं, फैटू से भी कर सकते हैं इसको, खूब अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब इसमें आपको गुठलियाँ नहीं नज़र आएंगी, ये देखिए कहीं नज़र आए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ये देखिए सब जगह तोड़ के दिखा दिया, कहीं भी नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लग के बहुत मज़ेदार बनेगी। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, थोड़ा डाल के थोड़ा बनाना है इस तरह, ताकि आराम से उसमें लगी रहे और कुरकुरी बने। ये लग गए, इतना लगा के मैं इस पर रख रही हूँ ब्रेड क्रम पे, और ये इस तरह मत लगाना है कि ना टपके और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होकर मोटा हो जाए। अब पहले इनको तीनों को मैं डाल दूँगी तेल, ये मैंने ऑयल गरम रख दिया बनाने के लिए। ये देखिए मैं सब पे डालूंगी हूँ, और फिर बकाया जो होगा ना ज़्यादा फालतू वो इसको यूँ डाल दूंगी। Thank you.
फालतू जो है उसको हम ये झाड़ देंगे और यूँ लगा के इस पर रखते रहेंगे कि ज़्यादा ना हो। जब तक झड़ जाए ये हो गया। इतना फालतू निकल जाए उतना अच्छा है। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो गया हमने जब इसको पलटना है दूसरी तरफ जैसे हो रहा है पक्की भी तो थी आपको दिखाया था उबली हुई मसाला लगा के अब ये हम बना और इनमें फ्राई करना है तो इसके लिए हमने बेसन में डिप किया इसे अच्छी तरीके से और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में ये बन गया। फिर हम आपको बताते हैं हमने ब्रेड क्रम्ब भी किस किस इतनी मज़ेदार बनी है। और आपको एक बात और बताएं कि हमने ब्रेड क्रम्ब किस चीज़ से बनाए आप सुन के हैरान रह जाएंगे। डबल रोटी ना हो पापे का चूरा ना हो या आपका रखा हुआ ख़राब हो जाए आप ऐसा करा करें जो रोटी आपकी फालतू बच जाए उसको टुकड़े करके रख दिया करें और जब कोई इतना चीज़ बना लेंगे उसे मिक्सर में डाल के और पीस लिया करें। देखें कितना ज़बरदस्त बना है और उससे ज़्यादा कुरकुरा बना है ब्रेड क्रम्ब से। एक चीज़ आपको और बता दी मैंने लेफ्ट ओवर चपाती की कि मैं रख देती हूँ ये देख बहुत ज़बरदस्त बनी कितना कुरकुरा बना। ये देखें जी ये चिकन का मैदा जो बच गया था ना ज़्यादा हो गया। अब मैंने क्या करा इसमें आजकल जो नए आलू आ रहे हैं मीडियम लेके चार छः और उसके छिलके नहीं साफ किए उनको इस तरीके से काटा है पकौड़ों की तरह नहीं बल्कि इस तरह लोग फ्राई आजकल कर रहे हैं और ये करके और फिर मैंने इस तरह ये इसमें ऑयल भी बचा हुआ था और मैदा भी मैंने डाल दिया। अब ये जो कोटते जाएंगे उन्हें हम पलटते जाएंगे ये वही डाल देखिए जब ऑयल गर्म हो गया हम इन्हें डाल दिए। अब ये इसी तरह ये बन गया थोड़ा सा इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब भी डाल दिया वही बन ताकि इसको भी लटके वो क्रंची बना ले बन गया। ये इस टाइप के पकौड़े फीटर टाइप के पकौड़ियाँ तैयार हो गई। मज़ा आ गया इस वक्त सर्दी में ठंड में ये चीज़ें मज़ेदार लगती हैं फ्राई। ये हमने चिकन की नेक बनाई पकौड़ा अब हमने कहा पकौड़े वगैरह से साथ आलू के भी पकौड़े बना लेते हैं। देखें इनको इस तरीके से काटा है मीडियम को लंबान में और वो छिलकों समेत बहुत मज़ेदार यकीन करें बहुत मज़ेदार बने। आप भी बनाएं और मज़े उड़ाएं सर्दियों के। लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जितने कर सकते हैं करें क्योंकि इतनी मज़ेदार चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।